हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैडेट्स ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं इंडियन नेवी चार्जमैन का एग्ज़ाम, जो कि आप लोगों को ही पता है 15 और 16 को आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है 15 तारीख हो चुकी है, आज का जो शिफ्ट का था एग्ज़ाम हो चुका है। और मैंने खुद दिया था फर्स्ट शिफ्ट का, मॉर्निंग वाली शिफ्ट का एग्ज़ाम, और लखनऊ सेंटर था। आप लोगों को बताया भी था प्रीवियस वीडियो में जब एडमिट कार्ड आया था, तो उसी बेसिस पर एनालिसिस करके हम आप लोगों को बताने वाले हैं आपका रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, आपका सेव स्कोर क्या है, या फिर जो भी कल एग्ज़ाम देने वाले हैं क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर होने वाले हैं। और जब कोई अपडेट होता है या फिर कोई सटीक इन्फॉर्मेशन होती है तभी आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलती है, ना कि फालतू में डेली 10 लाइव करना, इतना टाइम नहीं। आप लोगों को भी पता होगा मैं पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ, PGDPPT। आप लोग जानते भी होंगे जो पुराने व्यूअर्स हैं, एंड सीपेट ज्ञान सेकेंड चैनल है, आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और आप लोगों को पता लग जाएगा क्या होता है पेट्रोकेमिकल इंजीनियर। यदि आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जॉब की गारंटी होती है 100%। इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब लग जाती है। और तो आज के टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम लेवल क्या रहा। तो देखिए, जो 50 क्वेश्चन आपके आने थे, 50 क्वेश्चन आपके आने थे, उसमें से इंग्लिश आनी थी, इंग्लिश के बाद बात करें तो GK भी आनी थी, मैथ एंड रीजनिंग। और जो 50 क्वेश्चन थे वो ट्रेड से रिलेटेड थे, यानी कि जो ट्रेड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनका क्या लेवल रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले जो 50 क्वेश्चन थे, जो देखिए जो सीरियस किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो 50 में 45 या 40 आप मिनिमम ले सकते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट था जो कहीं ना कहीं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और कुछ स्टूडेंट से वहाँ पर मैंने बात भी की, कुछ ऐसे भी इस एग्ज़ाम को देने आए थे जो कहीं ना कहीं CGL या फिर CHSL एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर रहे थे, तो उनका जो ये पोर्शन था बहुत ही स्ट्रांग होता है, और जो SSC की यानी कि SSC की लेवल की तैयारी कर रहा है। और एक बात और आप लोगों को बता दें, आपका जो एग्ज़ाम में ये 50 क्वेश्चन थे मैंने दिया, इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट था उसके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं थे। मैंने GK भी देखी थी, GK भी इजी थी, ना कि ज़्यादा करंट अफेयर्स बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी, 1-2 क्वेश्चन थे वो भी डूएबल थे, यानी कि आप लोग उसको कर सकते थे, ज़्यादा पुराना नहीं था। G7 पूछा गया था इस बार किसने यानी कि अध्यक्षता कर रहे G7 की, G20 की नहीं, मैं G7 की बात कर रहा हूँ, G7 का पूछा गया था। और यहाँ पर बुक भी पूछी गई थी, राइटर्स पूछे गए थे, और ये आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में बात करें, एक्टिव पैसिव थे, और एक वो करेक्ट स्पेलिंग था, एक वोकैब, वैसे एंटोनिम सिनोनिम नहीं थे, एक EDM भी था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और मैथ की बात करें, जो मैथ था बिल्कुल ना बोलेंगे टफ, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगे हो, लेकिन टाइम इनफ था, 1.5 घंटे का टाइम था, तो आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। तो फाइनल बात करें इसमें से कितना करने लायक था, तो मेरे थिंक जिसने 40 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं इस 50 में, तो एक हमारी तरफ से उसका बेस्ट स्कोर है, एंड 45 भी किए हैं बहुत से लोगों ने, लेकिन 45 जिसके करेक्ट होंगे तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो एवरेज है वो 40 नंबर में लेके चल रहा हूँ इस 50 में। एंड जो 50 डेट आपके ट्रेड वाले क्वेश्चन थे, इसमें देखिए ज़्यादा किसी की भी ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं थी, बस कुछ को छोड़कर यहाँ पर, और वो ग्रुप पर भी डिपेंड करता है। तो इस 50 में मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ, जो किसी की तैयारी भी थी उसके भी मैं 35 हाईएस्ट। देखिए इसको मैं जो एनालिसिस कर पा रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यदि हो सकता है आप थोड़ा अलग एनालिसिस करते हो, लेकिन जो मैंने जितने भी कैंडिडेट से सेंटर पर बात की तो उन्होंने कहा इसकी तैयारी नहीं, यानी कि इस ट्रेड वाले क्वेश्चन की हमको एक भी कैंडिडेट नहीं मिला जी ये बोल रहा हूँ कि मेरी तैयारी है, मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो मैं मैक्सिमम ये 35 बोल रहा हूँ इसमें करने लायक थे, लेकिन ये सबके नहीं, बहुत कम स्टूडेंट ने 35 करेक्ट कर पाए होंगे। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इसमें देखिए 20, क्योंकि तुक्का भी लगाए होंगे और कुछ आ भी रहे होंगे, तो जो एक एवरेज इसमें मैं लेके चल रहा हूँ वो 20 नंबर लेके चल रहा हूँ, 20 से 25 बस। आपको लग रहा होगा आपके इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन क्वेश्चन ठीक थे, ना तो मैं कहूँगा टफ थे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन ही होते हैं ये, तो इनको आप लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन उसने किए होंगे जो कहीं ना कहीं इस फील्ड में होगा, यानी कि ट्रेड वगैरह क्वेश्चन की तैयारी कर रहा होगा, तो उसके 30 से 35 चांसेस हैं कि सही हो जाए, लेकिन वैसे एक एवरेज है, मैं 20 लेकर चल रहा हूँ, 20 और 25।
तो अब कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या जानी चाहिए, देखिए वैकेंसी एंड कैंडिडेट और एग्जाम एनालिसिस की बात करते हुए मेरे हिसाब से 60 से 65 कट ऑफ आपकी जा, इससे देखिए ऊपर हो सकता है जा सकता है, आपकी कट ऑफ इससे ऊपर हो सकता है जा सकती हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने तरफ से जो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ 60 से 65 जिनके नंबर बन रहे हैं, क्योंकि देखिए 40 मैंने उसमें ऐड कर लिए जो आपका वो वाला सेक्शन था रीजनिंग मैथ इंग्लिश वाला, एंड 20 मैंने ट्रेड वाले अटैच किए हैं, तो 60 यहाँ पर आपका बन रहा है 60 to 65। अब एक आपको बता दें आपको फाइनल तक सेफ रहना, देखिए मैं भी ये फाइनल कट ऑफ देखिए 60 to 65 में ये फाइनल नहीं बता रहा हूँ, आपको हो सकता है मेडिकल या फिर जो भी आगे की प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाए, और लेकिन आप बिल्कुल सेफ जोन में रहना चाहते हैं, सेफ जोन सुनना चाहते हैं कितना रहेगा, तो आई थिंक 70 इनफ होगी इस एग्ज़ाम के लिए, और हो सकता है 1-2 प्लस कर लें बस, 72 या 73 मैक्सिमम मैं बोल दूँ 75। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है जिसके 75 टच कर रहे हैं एनालिसिस, देखिए अभी आंसर की तो आई हुआ नहीं और ना आपने इतना मैच कर पाया होगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, ये मैंने बहुत हाईएस्ट स्कोर आप लोगों को बता दिया जिससे आपको ये ना लगे कि हाँ मेरे नंबर कम है, वैसे ही इसमें इस रेंज में बहुत कम स्टूडेंट होंगे, लेकिन जो मेरी तरफ से कट ऑफ प्रिडिक्शन है यदि आपके 60 से 65 के बीच नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉल आएगा मेडिकल के लिए, और फिर जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा, ये ऑफिशियल नहीं है, मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूं जिस प्रकार से मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैंने जितने क्वेश्चन कर पाए एंड जो रिव्यू 1-2 कैंडिडेट से लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और मैक्सिमम की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 70 नंबर जो भी टच कर रहा है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है हमारे अकॉर्डिंग। और एक बात और बता दें, इसका रिजल्ट के लिए बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, रिजल्ट इसका कब आएगा, देखिए रिजल्ट की बात करें तो नेवी के हिसाब से जिस प्रकार वैकेंसी आई, आपका जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हुआ वेबसाइट पर, एडमिट कार्ड आया, आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग बता दें जो नेवी एंड एयरफोर्स का जो पैटर्न फॉलो होता है वो 1 मंथ के अंदर होता है, यानी कि 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, 20 से 25 दिन या फिर 25 से 30 दिन। तो देखिए 16 सितंबर यानी कि कल आपका लास्ट एग्ज़ाम है, 16 सितंबर तब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो रिजल्ट की बात करें आपका 16 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स यही पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट अपलोड हो जाता है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाकर जरूर इन्फॉर्म करूंगा, चाहे इससे पहले आए या फिर 1-2 दिन बाद में आए, लेकिन 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो चैनल से जुड़े रहें, आपको हेल्पफुल वीडियो मिलेगी, कोई आपको हवाबाजी इसमें नहीं मिलेगी कि हाँ सिर्फ व्यूवर्स के लिए मैं कुछ भी बता दूं या फिर डेली डेली वीडियो अपलोड करूं, 4-4 कट ऑफ किया है, बस एक ये फाइनल वीडियो है, अब जब इसका रिजल्ट आएगा तभी हमारी आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी, यदि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आता, यदि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आपने यदि आप 60 तक आपका स्कोर आ रहा है तो अपने पॉजिटिव होप रखें कि आपका होगा, एंड फिर जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगा, आपके 60 to 65 आप लोग कर पा रहे हैं या फिर इसकी देखिए आंसर की क्या रिलीज होगी या फिर नहीं, तो मैं सब अपडेट आपको दे दूंगा, और मैंने आपको बता दिया कट ऑफ कम ही रहने वाली है 60 to 65। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें अलग अलग, नहीं वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है फिर भी इतने इसमें अप्लाई करने वाले की संख्या भी कम रहती है, और कुछ अब्सेंट भी थे मैंने देखा भी था सेंटर पर, खुद मैंने एग्ज़ाम दिया जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया।